कितने हमें पेड़ पौधों के रूप में बहुत कई अमूल्य वरदानों से नवाजा है, जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। हमारी जिंदगी में काम तो आते ही नहीं, लेकिन उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है पूरे चैनल नंदनी चैनल में। हमारे जिंदगी में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सब प्रकृति का वरदान है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी। इंसानों के लिए हर वो चीज़ मुहैया करवाई है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, जो ज़रूरत होती है इंसान की। अभी इंसानों के ऊपर है कि वो किस तरह से उन चीज़ों का उपयोग कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, और कितनी सीख ले सकता है, कई तरह के उपयोग हम उन्हें ला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हम पेड़ पौधों से क्या सीख सकते हैं। हर अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, उसे हमें क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या हम क्या सीख सकते हैं। अभी जब मैंने बांस के पेड़ के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं बताऊँगी बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ से हम दो चीज़ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हर चीज़ इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कितना भी इंसान गलत हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। और वो भी अच्छा इंसान कितना भी हो जाए, उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ कमियाँ जरूर हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, अच्छाई बुराई और कमियाँ, वो हर चीज़ जो है पाया जाता है। बरगद का पेड़ बहुत घनाकार होता है, सभी को पता है बरगद का पेड़ आकार में कितना बड़ा होता है। लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे अगर हम कोई बीज बो देते हैं, वो बीज लाखों करोड़ों कोशिश करने के बाद भी नहीं पनपेगा, जम जाएगा वो। अगर हम कोई बीज डाल देंगे, वो जम जरूर जाएगा, लेकिन वो पनपेगा नहीं, किसी भी हालत में कैसे भी नहीं पनपेगा, क्योंकि बरगद का पेड़ किसी और को पनपने ही नहीं देता। और वो इंसान पनप पाएगा जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, जिसकी किस्मत चमत्कारी हो, वही इंसान उसके अंदर पनप सकता है। और जो है किसी के बस की बात नहीं कि उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई बीज जमे और वो पनपे। और सब और दूसरी बात इसका क्या होता है, बरगद का पेड़ कितना घनाकार होता है, जितने भी मुसाफिर होते हैं, आते हैं जाते हैं, और धूप से खासकर, धूप से बचने के लिए खासकर, बारिश से भी बचने के लिए, और धूप से खासकर जब इंसान बहुत जगह से बहुत कड़ाके की धूप से थक हार के बहुत दूर से आता है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे जो उसको सुकून मिलता है, जो उसको शांति मिलती है, जो उसको आराम मिलता है, जो उसको मन को शांति मिलती है, उसका कोई मोल नहीं। वो इंसान सिर्फ उस बरगद के पेड़ को ही दुआ नहीं देता, उसको भी दुआ देता है जिसने वो बरगद का पेड़ लगाया है। इस तरह से एक अच्छाई और एक बुराई बरगद के पेड़ की। पहली बार बुराई ये कि अपने नीचे किसी को नहीं पनपने देता है, अच्छाई ये कि हर आने जाने वाले मुसाफिर को, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, और कहीं से थक हार के आ रहा हो, कड़ाके की धूप हो, चाहे कभी बारिश हो रही हो, तो उसके नीचे अपने छांव के नीचे लोगों को पनाह देते हैं। ये बरगद की अच्छाई है, और यही प्रकृति का वरदान है मनुष्य के लिए, जो मनुष्य सीख सकता है। कोई इंसान अपने आप में पूरा नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई बुराइयां जरूर है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खराब है नेचर से, मन तो बहुत झगड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छाई उसके अंदर जरूर है। ऐसा ही होता ही नहीं कि उसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। हाँ, वो बात अलग है, मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अच्छाई बुराई ये सब इंसान के अंदर होता है, थोड़ा गुण थोड़ा अवगुण, जैसे मैंने बरगद के पेड़ के का उदाहरण दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज़ की ये जो घंटी आइकन है इसे प्रेस कर लेना।